हमें हमारी संस्था जो मेरा वैश्यवाणी समाज मीरा भाईंदर आज बहुत सालों से मीरा भाईंदर में कार्य कर रही है, बट हमें आज तक कोई भी जगह यहाँ नहीं है मीरा भाईंदर में। तो हमारी एक समस्या थी कि हमें एक जगह यहाँ मिले मीरा भाईंदर शहर में जो हम लोग वैश्य भवन बना सकते हैं और हमारे लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम लोग आज उनको आके एक निवेदन दिया, महापौर मैडम को भी और आयुक्त जी को भी, और उम्मीद करते हैं उनसे कुछ अच्छी हमें कुछ ये मिलेंगी। आज इस मीरा भाईंदर में हमारा समाज कम से कम 15 साल में कार्यरत है, तो हमें अगर ये जगह मिल जाती है तो हमारे समाज में जो भी हमारे समाज के लोगों को काम जिनकी समस्या है वो दूर करने के प्रयत्न करेंगे, और जितना भी सामाजिक हमारे समाज के अलावा भी दूसरे कामों में भी हम लोग ये काम करना चाहते हैं कि हम लोग समाज के लिए कुछ कर सकें। देखिए, 15 साल से ये वैश्यवाणी समाज मीरा भाईंदर में कार्यरत है, और ये काम करते टाइम जो समाज हमारा मीरा भाईंदर में 100 से ऐसा 700-800 घर आज यहाँ पे मीरा भाईंदर में हमारे हैं। ये काम करते टाइम हम सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से हम समाज को एक इकट्ठा करने का काम पहले किया और उसमें हम सक्सेस हो गए। आज समाज जुड़ाते टाइम बहुत तकलीफें आती है, लेकिन हर एक दिमाग का आदमी रहता ऐसा नहीं है, लेकिन सब एक हमारे समाज को इकट्ठा करके आज हमने ताकत जो है वो मीरा भाईंदर वासियों को हमने दिखाया हुआ है। हर जाति धर्म के ये लोग आज मीरा भाईंदर में रह रहे। आज आपके चैनल के माध्यम से इतना बताना चाहूँगा कि अगर मारवाड़ी का भवन बोलो, गुजराती भवन बोलो, आज उत्तर भारतीय भवन बोलो, हर एक जाति धर्म को अगर मीरा भाईंदर महानगर पालिका से अगर छोटी मोटी जगह मिल के अगर भवन के लिए मिल रही है, तो हमारी एक मांग हमने की है अभी है महापौर साहब से और आयुक्त साहब से कि हमारे भी वैश्यवाणी समाज प्रतिष्ठान को एक मीरा भाईंदर में छोटी सी एक जगह देके एक अच्छा एक वास्तु वहाँ पे बना के एक मैसेज जो हमारा समाज में जाना चाहिए वो देने के लिए आप हमें हेल्प कर दीजिए और छोटा सा जगह देंगे तो हम एक वैश्यवाणी समाज प्रतिष्ठान भवन उभारेंगे वहाँ पर।